एजुकेशन डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सीरीज आरएलसी सर्किट। यहाँ पर जो हम लोग इनपुट देख करके रखे हैं वो स्टेप इनपुट होगा। हम लोग इंपल्स के लिए भी इसे सॉल्व कर सकते हैं और साथ में साइनसोइडल इनपुट के लिए भी। तो हम लोग स्टेप इनपुट के लिए देखेंगे। तो जैसा कि पहले हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो होगा, ये मेरा डायोड लगा हुआ है, तो ये मेरा हो जाएगा वी एस बाई एस। अगर हम ड्रॉ करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट तो, और ए मेरा हो जाएगा आर इंडक्टर को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। एस एल से और कैपेसिटर को वन बाई एस सी से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम करंट इसके लिए देखें, हम लोग देखेंगे टाइम के साथ मेरा जो करंट है किस तरह से वेरी कर रहा है। अंडर डैम्प्ड कंडीशन को देखेंगे, ओवर डैम्प्ड और क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशन को भी देखेंगे। तो आई एस यहाँ पर जो आएगा हम लोग लिख सकते हैं वी एस बाई एस इंटू आर प्लस एस एल प्लस वन बाई एस सी, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं वी एस, वी एस मेरा सोर्स वोल्टेज है, डिवाइडेड बाई एस, और ए हो जाएगा एस आर सी प्लस एस स्क्वायर एल सी प्लस वन डिवाइडेड बाई एस सी। इस एस सी को हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो ए हमको देगा वी एस डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आ जाएगा एस सी और एस इंटू एस स्क्वायर एल सी प्लस एस आर सी प्लस वन। इसको हम लोग लिख सकते हैं वी एस, एस एस मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो वी एस इंटू सी डिवाइडेड बाई एल सी को हम लोग बाहर कॉमन ले लेते हैं। एल सी को अगर कॉमन ले लेंगे तो ए आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस आर बाई एल, एल कैंसिल हो जाएगा आर बाई सी। यहाँ से एल सी से डिवाइड करेंगे तो आर बाई सी आएगा और प्लस वन बाई एल सी। या फिर इसको लिख सकते हैं, मेरा कैंसिल होगा फिर से वी एस बाई एल डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस एस इंटू आर बाई सी प्लस वन बाई एल सी। इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं वी एस बाई एल डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस टू थीटा ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। जब इसको इस तरह से हम लोग एज्यूम कर लिए तो यहाँ पर टू जीटा ओमेगा नॉट इंटू एस, तो टू जीटा ओमेगा नॉट जो आएगा मेरा कंपेयर करने के बाद वो आर बाई सी के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग जीटा निकाल सकते हैं, जीटा बराबर आ जाएगा आर बाई टू सी ओमेगा नॉट। और अगर इसको लास्ट टर्म को हम लोग करें तो ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना आएगा, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अंडर टू वन बाई एल सी।
तो यहाँ पर हम लोग ओमेगा नॉट का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ए आ जाएगा आर बाई टू अंडर रूट सी बाई एल। तो इस डेटा को हम लोग बोलेंगे डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग रेशियो। इस पर जो मेरा आउटपुट का जो रिस्पॉन्स रहेगा इस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगा, जीटा के वैल्यू घटने या बढ़ने से जो आउटपुट आएगा वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करेगा। और इसको देख करके एक चीज़ और हम लोग अगर अपने कंट्रोल सिस्टम पर आए तो वहाँ से देख सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए आपने पढ़ा होगा यहाँ पर ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस वायर। ये काफ़ी मिलता जुलता है दोनों का जो रिस्पॉन्स है। सॉरी ओमेगा एन स्क्वायर, तो वहाँ पर हम लोग जो कंट्रोल में पढ़ते थे वो पढ़ते थे, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। कंट्रोल सिस्टम जो हम लोग पढ़े हैं उसका जो रिस्पॉन्स भी आता है अगर आप जानते हैं तो वो स्टार्ट होता है जीरो से, पर जो आउटपुट रिस्पॉन्स होता है फाइनली वो वन पर आकर के फाइनल रिजल्ट रिजल्ट देता है टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर। पर अभी जो हम लोग पढ़े हैं उसका जो फाइनल वैल्यू होगा वो जीरो होगा, तो ये तो हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये जो कंट्रोल में आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पर हम लोग आई निकाल रहे हैं, यहाँ पर आई टी का वैल्यू निकाल रहे हैं, पर जो हम लोग वहाँ पर पढ़े थे कंट्रोल सिस्टम में वो था रिलेशन बिटवीन बिटवीन आउटपुट और इनपुट। ठीक है, जो कंट्रोल सिस्टम में जो हम लोग रेस्पॉन्स पढ़े थे यूनिट रेस्पॉन्स वो था वी नॉट और वी एस, सोर्स वोल्टेज आउटपुट और इनपुट के बीच का रिलेशन था। वहाँ पर हम लोग लिख सकते थे वो जो आता था वो था हमारा वी नॉट बाई वी आउटपुट बाई वी इनपुट इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर, यहाँ पर के एक कॉन्स्टेंट दे देंगे ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हम लोग यहाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सर्किट थ्योरी नेटवर्क थ्योरी में जो पढ़ते हैं हम लोग वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। हम लोग यहाँ पर जो भी कुछ भी देख रहे हैं आई के लिए देख रहे हैं, आई का रिस्पॉन्स हम लोग देख रहे हैं, और वहाँ पर जो देख रहे थे सी टी और टी का वो था मेरा आउटपुट और इनपुट के बीच का रिलेशन। इसलिए दोनों का जो डायग्राम आएगा क्रिटिकली ओवर डैम्प्ड और अंडर डैम्प्ड के लिए, क्रिटिकल डैम्प्ड ओवर डैम्प्ड अंडर डैम्प्ड तीनों के लिए जो रिलेशन आएगा वो भी थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा, जो हम लोग आई के लिए निकाल रहे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं, तो ये मेरा जीटा का वैल्यू आया। ठीक है, अब हम लोग इसको टी डोमेन में लाने की कोशिश करेंगे, लैपलेस इन्वर्स हम लोग करेंगे इस चीज़ का। फाइनल जो मेरा रिजल्ट आया है यहाँ पर, जो आई एस का फाइनल रिजल्ट आया है अभी तक वो आया है वी एस बाई एल डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस सी बाई आर बाई सी इंटू एस प्लस वन बाई एल सी। इसको हम लोग लिख सकते हैं वी एस डिवाइडेड बाई एल, यहाँ पर ए जो वैल्यू है आ जाएगा एस इंटू एस माइनस एस वन, इसका दो रूट होगा तो लिख सकते हैं एस माइनस एस वन इंटू एस माइनस एस टू। एस वन और एस टू का वैल्यू कितना आ जाएगा वो भी हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो एस वन एस का जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस बी, यहाँ पर ये वैल्यू मेरा आर बाई सी नहीं आना चाहिए, ऊपर हम लोग एक बार फिर से जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर था मेरा एस स्क्वायर एल सी, हमने यहाँ पर एस स्क्वायर एल सी नोट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर एस आर सी, एस आर सी यहाँ पर गलती हुआ हुआ है, और यहाँ पर जब हम लोग यहाँ एल सी से डिवाइड करेंगे तो सी सी कैंसिल हो जाएगा और ए आएगा आर बाई एल, आर बाई एल। तो मेरा जो वैल्यू आएगा ये आर बाई एल होना चाहिए एस के साथ,
बाकी ये भी क्या हो जाएगा, आर बाई एल। ए ठीक है, ए आर बाई टू अंडर रूट सी बाई एल ही आएगा सोल्व करने के बाद। ए आर बाई एल हो जाएगा, तो एस का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, माइनस बी माइनस आर बाई एल प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर आर बाई एल का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर ए सी, तो फोर बाई एल सी बाई टू ए, यहाँ पर हम लोग टू ले, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस आर बाई टू एल प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर बाई फोर एल स्क्वायर माइनस वन बाई एल सी। ठीक है, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो मेरा वैल्यू था आर बाई एल वो था टू जीटा ओमेगा नॉट का, और वन बाई एल सी था ओमेगा नॉट स्क्वायर का, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं माइनस आर बाई टू एल, आर बाई टू एल को हम लोग लिख सकते हैं जीटा ओमेगा नॉट, और प्लस माइनस अंडर रूट ये फिर से हो जाएगा जीटा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग फिर से अगर ओमेगा नॉट स्क्वायर को कॉमन ले ले तो माइनस जीटा ओमेगा नॉट प्लस माइनस ओमेगा नॉट अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन, ये मेरा वैल्यू देगा एस का, मतलब कि जो दो रूट्स आएंगे एस वन और एस टू वो आएंगे एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, एस वन एस टू का वैल्यू आ जाएगा, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। तो अब हम लोग लिख सकते हैं आई एस इज इक्वल टू वी एस बाई एल डिवाइडेड बाई एस माइनस एस वन इंटू एस माइनस एस टू इज इक्वल टू वी एस बाई एल को हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पर ए बाई एस माइनस एस वन प्लस बी बाई एस माइनस एस टू मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ए का वैल्यू आएगा, अगर हम एस वन पुट करते हैं इस इक्वेशन में, यहाँ पर मेरा जो इक्वेशन है वन बाई एस माइनस एस वन इंटू एस माइनस एस टू है, तो अगर हम एस वन पुट करें तो वन बाई एस वन माइनस एस टू मिलेगा। ए का वैल्यू मिलेगा वन बाई एस वन माइनस एस टू, इस तरह से अगर बी का वैल्यू निकालें तो हमको मिलेगा माइनस वन बाई, उसके लिए हम लोग क्या पुट करना पड़ेगा, एस टू पुट करना होगा, तो एस टू माइनस एस वन या फिर माइनस एस वन माइनस एस टू, ये मेरा बी का वैल्यू मिल जाएगा। और एस वन एस टू हम लोग को पता है एस वन क्या है, एस वन इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन, और एस टू कितना है माइनस जीटा ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ से हम लोग आई एस निकाल लेंगे, या फिर इसको अगर हम आई टी में कन्वर्ट करें या नेक्स्ट टाइम हम लोग लैपलेस इन्वर्स कर देंगे, एक बार और आई एस को देख लेते हैं, तो आई एस इज इक्वल टू हो जाएगा वी एस बाई एल
ए और बी की जगह पर दोनों सेम ही आया है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं इनटू वन बाय एक कांस्टेंट टर्म है एस वन माइनस एस टू, इसको कॉमन लेते हैं तो अंदर में जो मेरा बचेगा वन बाई एस माइनस एस वन और माइनस वन बाई एस माइनस एस टू। अब इसका हम लोग लैपलेस इन्वर्स ले लेंगे तो ये आ जाएगा आई टी इक्वल वी एस बाई एल इंटू एस वन माइनस एस टू इंटू ई टू द पावर एस वन टू टी माइनस ई टू द पावर एस टू टी। यहाँ पर हम अब एस वन और एस टू टी का वैल्यू रख देंगे, तो सबसे पहले हम लोग एस वन माइनस एस टू निकाल लेते हैं, तो ऊपर में एस वन और एस टू का वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं, तो यहाँ से अगर हम एस वन माइनस एस टू निकालें तो एस वन माइनस एस टू हो जाएगा, ए हो जाएगा प्लस और ए भी प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस ए तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मेरा जो आएगा एस वन माइनस एस टू वो आएगा 2 ओमेगा नॉट अंडर रूट जीटा एस पावर माइनस 1। टू ओमेगा नॉट अंडर रूट जीटा एस पावर माइनस 1। इसको हम लोग लिख देंगे एस वन माइनस एस टू। ठीक है, एस वन का वैल्यू कितना है, एस वन इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 और एस टू का वैल्यू कितना है माइनस जीटा ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट अंडर रूट माइनस 1। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हमको देगा आई टी का वैल्यू, आई टी इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई 2 एल ओमेगा नॉट अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 और साथ में ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा नॉट माइनस जीटा ओमेगा नॉट टी इंटू ई टू द पावर ओमेगा नॉट अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी माइनस ये जो वैल्यू देगा ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा नॉट टी, ये तो रहेगा ही साथ में इंटू ई टू द पावर माइनस, नीचे लिख लेते हैं ई टू द पावर माइनस जी ओमेगा नॉट अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं वी एस डिवाइडेड बाई 2 एल ओमेगा नॉट अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर जो आएगा वैल्यू ई टू द पावर कॉमन आ जाएगा ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा नॉट टी और साथ में अंदर में जो है ई टू द पावर ओमेगा नॉट अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा नॉट टी सॉरी माइनस ओमेगा नॉट अंडर रूट यहाँ पर भी टी होगा जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी, मतलब एक प्लस में है और सेकंड माइनस में, बाकी सारा चीज़ सेम है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई 2 एल ओमेगा नॉट अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस
जीटा ओमेगा नॉट टी इंटू साइन एच, यहाँ पर आ जाएगा मेरा जीटा ओमेगा नॉट अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस वन इंटू टी, ये दो फिर यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। इतना बाय टू को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ए मेरा आई टी का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से तीन कंडीशन निकल करके आता है, ठीक है। फर्स्ट जीटा ग्रेटर देन वन, तब इसको हम लोग बोलेंगे ओवर डैम्प्ड। कंडीशन सेकेंड आ सकता है जीटा लेस देन वन, तब इसको हम लोग बोलेंगे अंडर डैम्प्ड। कंडीशन और थर्ड केस आ सकता है जीटा इज इक्वल टू वन, तब इसको बोलेंगे क्रिटिकली डैम्प्ड। कंडीशन ठीक है, ये तीन रिजल्ट निकल करके सामने आता है। तो केस वन हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले। केस वन अगर हम ले जीटा अगर ग्रेटर देन वन ले तो मेरा ये सेम टू सेम जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, जैसा कि यहाँ पर हमने सॉल्व कर रखा है। जीटा ग्रेटर देन वन के लिए जो आएगा ये आएगा आर टी का वैल्यू, ठीक है। सेकेंड केस अगर हम लोग जीटा लेस देन इक्वल टू वन लेते हैं तो लेस देन वन लेने पर कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो उसे हम लोग देख लेते हैं। ये जो रिजल्ट आया है इसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ से जीटा लेस देन इक्वल टू वन करके, जो कि अंडर डैम्प्ड के लिए होगा। इस रिजल्ट को हम लोग यूज करते हैं आई टी का जो ये रिजल्ट आया था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अगर मेरा जीटा लेस देन वन है तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। वी एस ये टू नहीं रहेगा क्योंकि टू हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। तो वी एस डिवाइडेड बाई एल ओमेगा नॉट अंडर रूट यहाँ पर माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, माइनस वन अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस जीटा स्क्वायर, और वही काम सेम टू सेम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो ई के पावर ओमेगा नॉट यहाँ पर जीटा ओमेगा नॉट अंडर रूट माइनस वन कॉमन ले लेंगे, वन माइनस जीटा स्क्वायर टी माइनस ई टू दी पावर माइनस जीटा ओमेगा नॉट अंडर रूट माइनस वन ई टू दी पावर वन माइनस जीटा स्क्वायर इंटू टी, ये हो जाएगा और डिवाइडेड बाई हम लोग लिख सकते हैं टू। इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लें तो ये मेरा आ जाएगा वी एस डिवाइडेड बाई एल ओमेगा नॉट जे और ए रहेगा मेरा अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगा ई टू द पावर माइनस सॉरी प्लस जे जीटा ओमेगा नॉट अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर माइनस टी रहेगा ही साथ में e टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट जीटा साथ में अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर और फिर t डिवाइडेड बाई टू। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
जे को अंदर ही ले आते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं वी एस बाई एल ओमेगा नॉट अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर, और इस पूरा टर्म को हम लोग लिख सकते हैं साइन के टर्म में। मेरा ए पार्ट जो है वो कॉमन आ जाएगा, ई टू द पावर जे जीटा ओमेगा नॉट, क्योंकि इतना इंटू लिख सकते हैं ई टू द पावर इतना ई के पावर जीटा जे ओमेगा नॉट। हमारा छोटा है ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा नॉट टी। यहाँ पर भी आ जाएगा ई के पावर माइनस जीटा ओमेगा नॉट टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं वी एस इंटू ई के पावर माइनस जीटा ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय एल ओमेगा नॉट अंडर रूट वन माइनस जीटा एस पर, और ये जो अंडर रूट माइनस वन है उसको हम लोग जे लिख देते हैं, नीचे में हो जाएगा टू जे और ऊपर में हो जाएगा ए के पावर जीटा ओमेगा नॉट, जे तो रहेगा ही अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर, और साथ में टी माइनस ई के पावर जीटा ओमेगा नॉट जे, एक प्लस था और एक दूसरा यहाँ पर माइनस में है अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम लोग सोल्व कर करके क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वी एस बाई वी एस इंटू ई के पावर माइनस जीटा ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई एल ओमेगा नॉट अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर इंटू, एक इस फॉर्म में आएगा साइन के फॉर्म में आ जाएगा साइन ओमेगा नॉट, और ये जीटा यहाँ पर नहीं है, जीटा नहीं है तो जीटा को नहीं लिखेंगे। यहाँ पर सिर्फ ओमेगा नॉट था मेरा, ये जीटा नहीं होगा, तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा नॉट अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर इंटू टी, ये मेरा फाइनल आंसर होगा अंडर डैम्प्ड के लिए। अब क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए हम लोग देख लेते हैं, क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए क्या हो जाएगा, जीटा इज इक्वल टू वन। जब जीटा वन होगा तो हम लोग लिख सकते हैं आई एस का जो मेरा इक्वेशन आया था वो आया था वी एस बाई एल एस स्क्वायर प्लस एल डिवाइडेड बाई आर इंटू एस प्लस वन बाई एल सी। तो अगर जीटा इज इक्वल टू वन रहा तो मेरा जो रूट है एस वन और एस टू वो क्या हो जाएगा, एस वन हो जाएगा जीटा ओमेगा नॉट, यहाँ पर अंडर रूट वन माइनस पार्ट था तो वो तो जीरो हो जाएगा, वो पोर्शन सिर्फ जीटा ओमेगा नॉट इसको हम लिख सकते हैं, और वही यहाँ पर एक माइनस भी था तो जीटा का वैल्यू तो वन है तो माइनस सिर्फ ओमेगा नॉट, और एस टू का वैल्यू हो जाएगा इसका भी वैल्यू हो जाएगा माइनस सिर्फ ओमेगा नॉट। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं इज इक्वल टू वी एस बाई एल और एस माइनस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर, क्योंकि बोथ रूट्स इसका जो आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, ठीक है। निगेटिव है तो यहाँ पर प्लस देंगे। और जब हम इसका लैपलस इन्वर्स लेंगे तो ए मेरा दे देगा आई टी इज इक्वल टू वी एस बाई एल जो सोर्स वोल्टेज है वी एस, और टी ई टू दी पावर माइनस ओमेगा नॉट टी, ये मेरा करंट का वैल्यू हो जाएगा जब जीटा इज इक्वल टू वन होगा, ठीक है।
इस तीनों रिजल्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी थोड़ा सा देख लेते हैं इसके इसका जो रिस्पॉन्स है, अगर इसका हम लोग वेवफॉर्म ड्रॉ करें तो आएगा। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अंडर डैम्प्ड का अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये कुछ इस टाइप से आएगा। अरे फाइनली जीरो पर इसका जो आउटपुट होगा वो जीरो ही हो जाएगा। फाइनली जो फाइनल जो करंट होगा इसका जीरो होगा। ये मेरा केस है अंडर डैम्प्ड के लिए, ठीक है। और सेकेंड अगर हम देखें क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए, तो क्रिटिकली डैम्प्ड स्टार्ट होगा, इसका रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होगा उससे, और इस टाइप से जीरो होगा लेकिन ये ज़्यादा समय लेगा, ठीक है। लॉन्ग टाइम के बाद ये जीरो हो जाएगा। ये मेरा हो गया क्रिटिकली डैम्प्ड। और एक जो ओवर डैम्प्ड होगा वो तो कुछ इस तरह से जाएगा और इन्फिनाइट पर जा करके जीरो होगा। इस टाइप से तीनों रिस्पॉन्स को हम लोग दिखा सकते हैं। और वहीं अगर हम लोग कंट्रोल में बात करें तो ये वन पर रिटर्न होकर के वन पर सॉरी जीरो पर ना नहीं आता है, बल्कि वो ये सारा जो काम होता है वो वन पर होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है आप लोग इसे देखिएगा और हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा भी कि ऐसा क्यों हो रहा है। कंट्रोल सिस्टम जो आउटपुट और इनपुट का जो रिलेशन है वहाँ पर जो रिस्पॉन्स आता है वो वन पर ही क्यों ख़त्म हो जाता है, उसका फाइनल वैल्यू वन ही क्यों होता है इनफिनाइट टाइम के बाद, ठीक है। आज जब इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे। गेट के लिए तो नहीं पर आईएएस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गेट से ज़्यादा आईएएस के लिए एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।